नमस्कार, आप सभी का अपना सुल्तानपुर चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। हमारे राज ठाकुर, आज हम पहुंच चुके हैं अपनी चुनावी यात्रा को लेकर किठौली ग्राम सभा, जो कि ये धोपाप के आप महज जो है लगभग 1.5 से 2 किलोमीटर दूरी पे ये गांव है। आज यहाँ की जनता को हम चौपाल लगाए, इनसे बहुत रिक्वेस्ट किया है कि थोड़ा इनसे बात किया जाए 10 मिनट के लिए कि यहाँ का माहौल क्या है, क्योंकि यहाँ से मौजूदा सांसद जो बीजेपी से माननीय सांसद मेनका गांधी जी को यहाँ से फिर से टिकट मिला है, और सपा गठबंधन से राम भुवाल निषाद को टिकट मिला है, और बीएसपी से जो है उदयराज वर्मा को टिकट मिला है। तो तीनों पार्टियां जो घमासान यहाँ पे चल रही है, तो तमाम मुद्दों पे आज हम यहाँ की बात करेंगे, यहाँ की जनता से बात करेंगे कि माहौल क्या चल रहा है, जो लड़ाई चल रही है, यहाँ से किसको सांसद बनाना चाहती है यहाँ की जनता। तो सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे जिला संयोजक आर्थिक प्रकोष्ठ के जो है अध्यक्ष है, सबसे पहले भैया से हम बात करते हैं। नमस्कार, धन्यवाद भैया। तो क्या माहौल चल रहा है इस बार भैया? माहौल तो सिर्फ मोदी में है। मोदी में है? मोदी में क्यों है? मोदी जी की योजनाएं और योगी जी के कार्य करने की, जो उत्तर प्रदेश तेजस्वी योगी नाथ जी हैं जी, उनकी काम की जो शैली है, और देश के वीर सपूत, धरती माता के पुत्र, जिन्होंने 2014 से लेकर आज 2024 चल रहा लगातार 10 साल देश की सत्ता की बागडोर जिनके हाथों में थी, आज हमारा देश विश्व के मानचित्र पे शिखर पे चल रहा है। आइए बाबा जी से बात करते हैं। बाबा जी, क्या नाम है? सूर्यवेली सिंह। तो क्या माहौल है? माहौल भैया ऐसे हमारे यहाँ मेनका गांधी का। मेनका गांधी? मेनका गांधी क्यों? ऐसा उन्होंने काम अच्छा किया भैया। क्या काम किया है आपके गांव में बताइए? हमारे गांव में सड़क की व्यवस्था की है उसने। कहाँ सड़क की? हम तो अभी सड़क से आ रहे थे तो बिल्कुल बड़े बड़े गिट्टे पड़े हैं। कहाँ गिट्टे पड़े हैं? अभी सड़क से मार रहे थे ना। बिल्कुल नहीं, गिट्टे कहीं अभी हम आ रहे थे। मुआ से दियरा तक बिल्कुल देख लीजिए आप, गिट्टी का नाम नहीं। हम आपके गाँव की बात कर रहे हैं। हमारे गाँव में टूट गई थी सड़क, वो बन रही है। अच्छा, टूटी थी वो बन रही है। अच्छा, बनवा रहे हैं। अच्छा हाँ, और क्या काम हुआ है यहाँ? मंदिर जगह जगह सफाई करवाई, हैंडपंप लगवाए, तरह तरह की वहाँ को व्यवस्था किया, सड़क बनवाए, वहाँ जनवरी नाथ बाबा पर व्यवस्था किया, धोपाप धाम में किया, बिजेछुआ धाम में किया, राशन दे रहे हैं, बिजली दे रहे हैं, किसान सम्मान मिलता है। किसान सम्मान बिल्कुल मिलता है, 2000 रुपए बिल्कुल, और वृद्धा पेंशन बिल्कुल मिलती है, मिलता है। हाँ जी, तो मतलब मोदी जी काम को बढ़िया से देखते हैं। हाँ बिल्कुल, चाहते हैं कि इस बार फिर से प्रधानमंत्री बने। हाँ, मोदी जी बने प्रधानमंत्री। अच्छा हाँ, पूरा एकदम विश्वास है, आत्मा में है। अच्छा, इस बार 400 पार का नारा दिए, वो पूरा हो पाएगा? बिल्कुल होगा। अच्छा, बिल्कुल होगा। और मेनका जी के कामों को कैसे देखते हैं 5 साल में? ऐसा है, मेनका जी आप सूचना दीजिए, फौरन आ जाती है। कभी आपके यहाँ आई है? बिल्कुल आती है, बराबर है, महीने में 2 बार जरूर आती है। अच्छा हाँ। अच्छा, जब आती है तो कौन सा विकास का बात करते हैं आप? आप जो भी समस्या उनसे कहिए हाँ। उसको सुनने के लिए हर वक्त तैयार रहती है। अच्छा, आप अकेले लेकिन वो सुनने के लिए हर वक्त तैयार है। तैयार रहती है, काम होता है, काम। और विधायक जी जो है सीताराम वर्मा? सीताराम भी ठीक है। ठीक है, ठीक है। अच्छा हाँ, बीजेपी के दोनों लोग हैं, सांसद विधायक दोनों लोग। हाँ, ठीक है कि ठीक है? नहीं, ठीक है। अच्छा, ठीक है हाँ। अच्छा, और कुछ लोगों से बात करते हैं। हाँ, कर भैया, क्या नाम है भैया? अमर सिंह। तो क्या माहौल है इस बार? ठाकुर कहाँ जा रहा है इस बार? ठाकुर तो भाजपा को सदैव मतलब वोटिंग किए हैं। अच्छा, करते रहेंगे। कहाँ, अभी 2019 को चुनाव हुआ था तो उसमें ठाकुर जो है चले गए थे सोनू मोनू के पास, जात कैडर देख रहे थे। अरे नहीं, हाँ। जब से भाजपा आया है, ठाकुर बिरादरी के लोग जितने भी हैं सब भाजपा को सपोर्ट कर रहे हैं और सपोर्ट करेंगे। अच्छा जी, आपको सरकार में कुछ लाभ मिला है? हमें भी इस सरकार में लाभ मिला है जी, और जो भी नहीं मिला है वो भी मतलब कि है, ऑप्शन मिल सकता है। अच्छा, मिल सकता है। तो और भैया, क्या नाम है आपका? नरेंद्र बहादुर सिंह। क्या माहौल है इस बार? माहौल यहाँ भाजपा है भाई। भाजपा और पार्टियों में क्या दिक्कत है? पार्टियों में कोई दिक्कत नहीं, सब अखिलेश यादव में क्या दिक्कत है? हमें देखो, किसी का मन कोई नहीं ले सकता, किसके मन में क्या है, लेकिन भाजपा जो है सब लायक है, सब जनता लोकप्रिय है, इसलिए भाजपा ही यहाँ पे लायक। तानाशाही कर रही है? यही तानाशाही कहाँ कर रही भाजपा, बताइए कर रही कहाँ कर रही है? अरे जो इनके पार्टी में है वो तो ठीक है, जो नहीं है उसके ऊपर ईडी भेज देते हैं, कार्रवाई कर देते हैं, जेल भेज देते हैं। जब गलत काम कोई हम ही करेंगे तो हमको बर्दाश्त करेंगे?
तुरंत उठवा लेंगे। अभी जौनपुर में जब पता चला था कि धनंजय सिंह जो है सपा में जा रहे हैं, इनके ऊपर FIR हो गया और इनको जेल भेज दिया गया। लोग ऐसा उन जनता बोलते हैं वहाँ के। अब कहाँ की जनता, क्या माहौल है, हम अपने डिस्ट्रिक्ट, अपने मतलब ये ब्लॉक और तहसील की बात जानते हैं। हम अपने लम्भुआ से उत्तरी क्षेत्र की बात कर रहे हैं, धौपाप धाम की बात कर रहे हैं। अच्छा, हम लोग इन्हे गिने यहाँ पे कम से कम 20-25 घर हैं यहाँ। अच्छा, जमखुरी ग्राम सभा है, जमखुरी गौतम कपूर। अच्छा, यहाँ पे 25 घर हैं। अच्छा, आज तक भाजपा जो है हमको जो है बहुत कुछ दिया है। क्या क्या दिया है? संजय गांधी द्वारा निर्माणित इंडो डच ट्यूबवेल है। अच्छा, जो कि हमारे बड़े बाप थे रामराज सिंह। अच्छा, संजय जी यही हेलीकॉप्टर से उतरे थे हमारे यहाँ, यही बाग में। अच्छा, उनका दिया हुआ लम्भुआ से दियरा जो रोड आज बिना ब्रेकर की है, संजय जी की देन है। अच्छा, और उसके बाद लाइट, यानी कोई ऐसी असुविधा हमारे यहाँ है ही नहीं जो मतलब उनके लायक है। जो गवर्नमेंट का निदान है वो सारा हमको मिल रहा है। अच्छा, जैसे 25 घर है तो सब 25 भाजपा में? अब देखो, भाजपा हो या कुछ हो, लेकिन जो हम है हम अपने अंतरात्मक बात बता रहे हैं। अच्छा, किसका आपके मन में क्या, हम क्या चल रहा हमें पता है, ये बताइए। लेकिन हमारे यही उम्मीद है कि है यही सांसद के लिए, ओनली मेनका गांधी के लिए। अखिलेश यादव भी इस बार PDA का नारा दिए हैं, जो है कह रहे हैं वो भी हम गरीबों के सुनेंगे इस बार। कौन गरीब की सुन रहा है? वाकई गरीब की सुना कहाँ जा रहा है? इसमें सुना जा रहा है? नहीं, इसमें सुना जा रहा है, इस BJP में इसमें सुना जाता है। इसमें जो है जो आप अभी, अच्छा ठीक है ठीक है, एक मिनट, अभी आपके बगल में एक गाँव है, मैं निषाद वहाँ पे रहते हैं, मैं वहाँ पे गया था, वहाँ पे ना तो सड़क है, सिपा ना तो, हाँ ना तो। अच्छा, बताइए कहाँ सड़क नहीं? मैं खुद गया हूँ, मैं वहाँ पे खुद गया हूँ, आन रोड से जब, हाँ बिल्कुल नीचे गया हूँ, ना तो सड़क है ना तो पानी है, नहीं है, मैं खुद गया हूँ वहाँ पे। अच्छा ठीक, आपके बगल का है, आप जाके देखिएगा वहाँ विधायक उनकी कमी है। तो सांसद जी की बात हो रही है? सांसद जी पूरे क्षेत्र में विधायक ऊपर होता है ना सर, रोड निर्माण। तो BJP को भी है ना, BJP तो भी है, BJP के है, लेकिन उनका विकास विधायक करेगा ना, उस क्षेत्र का विधायक करेगा ना। तो राजेश गौतम विधायक है वहाँ के, BJP के है ना। बताइए, ठीक है भैया, बताइए क्या नाम हुआ? डॉक्टर बीरेन्द्र सिंह नाम है। तो क्या है माहौल? माहौल यहाँ एकदम मोदीमय है, एकदम मोदीमय है। हाँ, क्यों मोदीमय है? मोदीमय होने के बहुत सारे कारण है, मैं कितने कारण आपको गिनाऊं? बताइए, आर्थिक सामाजिक, किस नजरिए से आपको मैं बताऊं? कहाँ आर्थिक कहाँ है, रोजगार मिली नहीं, पांचवी अर्थव्यवस्था बन गई हमारी कंट्री। अरे रोजगार नहीं, रोजगार क्यों नहीं मिल रहा? कहाँ मिल रहा है रोजगार? कौशल विकास योजनाएं चल रही है, देश में डेवलपमेंट सिखाने के लिए योगी सरकार जो है कितने जो नौजवानों को प्रशिक्षण दे रही है, ब्लॉक लेवल पे स्कीमें है। रोजगार का मतलब केवल सरकारी जॉब नहीं है, एम्प्लॉयमेंट मीन्स नॉट ओनली द गवर्नमेंट जॉब, एम्प्लॉयमेंट मीन्स जो करने लायक हो। जैसे एक आदमी जो है अगर वो मोटरसाइकिल बना रहा है, मोटरसाइकिल बनाने का प्रशिक्षण कर लिया, सुनिए मेरी बात, अगर वो प्रशिक्षण सीख गया, मोटरसाइकिल बना करके 500 रुपया दिन में कमा रहा है, वो भी एक रोजगार है। अच्छा ये बताइए, कोई ठेला लगा रहा है, कोई कुछ रोजगार बने, ठेला लगा रहा है बिल्कुल अनपढ़ गवार होगा। अच्छा देखिए, जो कुछ भी पढ़ा लिखा है, 8वीं पास भी है, 10वीं पास भी है, उसके लिए कौशल विकास प्रशिक्षण केंद्र खोले गए हैं ब्लॉक लेवल पे। अच्छा, तमाम गवर्नमेंट की स्कीम चल रही है जिसमें से जाए उससे ट्रेनिंग के दौरान पैसा मिलता है, उसके स्वयं अपना खोल ले। कहीं 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 यही मोदी जी थे 2014 में, इनकी सरकार जब ये प्रचार कर रहे थे घोषणा पत्र में कहा था हम 2 करोड़ नौकरी हर साल निकालेंगे। बात करता हूँ एम्प्लॉयमेंट की, इस भारत की पॉपुलेशन 140 करोड़ है जी। ये तो एक कहने की बात है कि लोग पॉलिटिक्स की बात करते हैं कि हम आएंगे तो रोजगार दे देंगे, हम आएंगे तो दुनिया में कोई सरकार, राहुल गांधी कह रहे हैं, राहुल गांधी कहने दीजिए, कांग्रेस 70 सालों में रही, 60 सालों में रही, कितने एम्प्लॉयमेंट दे दिया। मैं अमेठी में रहता हूँ, मुझे पता है राहुल गांधी 90% सांसद निधि का पैसा नहीं खर्च कर पाते थे, सांसद में सोते थे, सांसद में मैं लाइव कैमरा में दिखा दूं आपको, मैंने सांसद जी को सोते हुए देखा है कैमरे में, 90% उनका विकास निधि का पैसा खर्च नहीं हुआ है, वो प्रोजेक्ट बना के नहीं दे पाते हैं, DM को, SP को, सारे हमारे जो अधिकारी वर्ग है उनको वो दे नहीं पाते कि यहाँ सड़क बनाना, सड़क की बात करते हैं, सड़क का तो नेशनल हाईवे जो सड़कें देखिए जी, 4 लेन 6 लेन 8 लेन जो रेलवे लाइन देखिए, 2 लेन 4 लेन तो, हाँ तो रेल भी तो बेच दी है, बेच कहाँ दी, अभी कुछ नहीं बेचा है, बिल्कुल लोग कह रहे हैं बेच दिए जो आ रहे हैं ना, उनको प्राइवेट कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे प्राइवेट, तो एक रूमर उड़ा हुआ है। अच्छा केवल एक रूमर है, और देखिए जो आप कह रहे सड़क नहीं है ना, प्रधानमंत्री सड़क योजना के अंतर्गत
आज जितना सड़क जितना हाईवे जितना इंफ्रास्ट्रक्चर जितना चाहे रेलवे नेटवर्क हो चाहे रोड नेटवर्क हो चाहे एरोप्लेन का नेटवर्क हो, कौन सा ऐसा क्षेत्र है जहाँ जहाँ उन्होंने 10 गुना कार्य नहीं किया है। कांग्रेस भी तो की थी, कांग्रेस ने काम किया था। मैं ये नहीं कहता कोई सरकार काम नहीं करती, मैं ये नहीं कहता कि वहाँ जीरो था, यहाँ बहुत बहुत आगे चला गया, लेकिन जो एक रेशियो होता है, जो फ्रीक्वेंसी होती है, जो हम कंपेरेटिव स्टडी करते हैं, अगर उन्होंने 5% काम किया तो इन्होंने 25% किया, 5 times ज्यादा किया। उनके जमाने में 3 किलोमीटर सड़क पर डे बनती थी, आज 30 किलोमीटर बनती है। नेशनल हाईवे की बात कर, महंगाई है ही नहीं। महंगाई सुनिए मेरी बात, महंगाई जिस रेशियो में होनी चाहिए उस रेशियो में है। अच्छा, इससे अभी देखिए, नॉर्मली आप चाहे सब्जी खरीदिए चाहे जो भी खरीदिए, 10 साल पहले मोदी सरकार आई थी 14 में, अगर आप 14 की महंगाई आज 24 से तुलना नहीं कर सकते हैं, कुछ तो परसेंट बढ़ेगा ही बढ़ेगा, वो तो चाहे मोदी सरकार। गरीब कहाँ जाएगा फिर भाई, कहाँ ज्यादा बढ़ी है महंगाई? क्यों पहले 400 रुपए था तो आप बढ़ाते तो 200 रुपए बढ़ाते, सीधा 1000 रुपए 1200 रुपए कर दे रहे। उज्जलम में तो उन्होंने सिलेंडर भी दिया ना, उज्जलम कनेक्शन 3-3 सिलेंडर फ्री में तो मिल रहे हैं, 1-2 सिलेंडर साल में 2 सिलेंडर मिल रहे हैं, दीपावली दे रहे हैं। अच्छा, फिर स्मृति ईरानी क्यों धरने बैठ गई थी? 400 रुपए सिलेंडर था, धरने बैठ गई थी। कब रहा होगा? आज 15 साल पहले रहा होगा ना, 10 साल पहले 2014 में। 10 साल में देश कहाँ पहुँच गया? 10 साल कम होता है, 10 साल की 10 साल में का आदमी कहाँ से कहाँ पहुँच गया? एक बच्चा बड़ा हो गया, कमाने लगा। अच्छा। 10 साल में तो क्रांति आ जाती है जी, आपसे बात कर रहे हैं। क्या नाम है बाबा जी? राम मूर्ति सिंह जी, अवकाश प्राप्त सैनिक। अच्छा, 1 rank 1 pension योजना 40 साल से कांग्रेस ने लटका के रखा, मोदी ने उसको पास किया पेंशन। हाँ, तो पेंशन तो बंद कर दिए। 1 rank 1 pension योजना में जो है सैनिकों को लाभ जो है, इसमें 8 लाख करोड़ का लाभ मिला सैनिकों को। अच्छा, सैनिकों को? हाँ, मोदी ने जो है इसको पास किया, सैनिकों को लाभ मिला, लेकिन जो और पा रहे हैं पेंशन उनका तो बंद कर दिए। नहीं, वो केंद्र सरकार जो सेना में, तो भाई देखो क्या है, सेना को पेंशन तो देना पड़ेगा क्योंकि वो अनिवार्य है। अच्छा, ये तोरे भाई हो। अच्छा, तोरे बेटा हो, अगर वो जाएगा अपने प्राण न्यौछावर। चलिए आप सेना की बात करें, एक बात और करते हैं, जो ये अग्निवीर योजना लाए हैं आप इसको कैसे देखते हैं, सही है गलत है? नहीं, अग्निवीर योजना जो है वो सरकार का जो रोटेशन है, सरकार ने ये सोचा है, जैसे पुलिस है, पुलिस को आप देखते हो कि पुलिस का जो रवैया है, हम थाना दिवस तहसील दिवस में बैठे हैं, एक लाइन आर्डर पुलिस जो है वो क्या करती है, वो जो है जो चोट खाया है उससे पैसा लेती है और जिसने मारा है उससे पैसा लेती है। सरकार का ये सरकार सोच रही है धीरे धीरे अग्निवीर को हम जो है पुलिस स्टेशन में भर्ती करेंगे, समझे थे, और धीरे धीरे उसको रेलवे में भी लाएंगे, जगह जगह जो भ्रष्टाचार है उसको हम बिल्कुल न्यूट्रल कर देंगे। अच्छा, ये बताइए, जैसे कोई माँ बाप अपने लड़के को भेजेगा आर्मी में, जैसे अग्निवीर में, वो शहीद हो जाता है, अभी हाल ही में प्रतापगढ़ में एक लड़का जो है शहीद हो गया, उसको शहीद का दर्जा भी नहीं दिया गया। नहीं, ये तो गलत बात है, देना चाहिए। गलत बात है, तो 5 साल के बाद वो लड़का कहाँ जाएगा? 4 साल बाद कहाँ जाएगा? 4 साल के बाद वो एडजस्ट हो जाएगा। वो तो कह रहे सिर्फ 25% एडजस्ट करेंगे, 75% नहीं, तो कहाँ जाएगा वो लड़का बताइए? नहीं, अगर ऐसा है तो गलत है, लेकिन नहीं सरकार ने नहीं, आप जो है सैनिक में थे, आप बताइए अपनी CRPF में भेजेंगे? नहीं, सरकार का जो मतलब प्रोग्राम है उसका कहना है कि वो CRPF में डालेगा, CRPF में कई बटालियन है, BSF में, पुलिस में, सब जगह वो एडजस्ट कर देंगे सेना को। हाँ, सैनिक, हाँ ठीक है, सैनिक जो है, सैनिक जो है जब आ जाएंगे तो आपकी जो भ्रष्टाचार है, जैसे आपके घर गया पुलिस, अभी हमने देखा एक सैनिक है वो लेखपाल था जी। तो गांव का आदमी मुझसे कहा कि सिंह साहब मैंने लेखपाल कहा चलो पानी पी लो, वो पानी भी नहीं पिए, 100 रुपए लिए। नहीं, जो अन्य लेखपाल हैं वो 100 रुपए ले भी लेते हैं और गाड़ी का किराया भी मांगते हैं। चलिए अब ये लेखपाल की बात की है, कानून पर व्यवस्था बात कर लेते हैं। किसी थाने में चले जाइए, कोई गरीब जाता है तो कहते हैं लाओ 2000 रुपए दो, 500 रुपए दो, तब चलेंगे, तब ये तुम्हारा काम करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, ऐसा है कि नहीं? ऐसा है, लेकिन यही नहीं होगा। जब सैनिक आ जाएगा आपके थाने में तो क्या सैनिक ईमानदारी से काम बिल्कुल करेगा? क्यों, पैसा उसको अच्छा नहीं लगेगा? बिल्कुल, क्यों नहीं, वो सरकार का उसको डर नहीं है, इसमें कानून व्यवस्था जो है सब तानाशाही कर रहे हैं, कानून वाले भी, ऐसा है? सही मानते हैं आप इसको? बिल्कुल ऐसा है ना, ऐसा था। ये लाइन आर्डर पुलिस जो जितने भी अपराध हो रहे हैं उनमें लाइन आर्डर पुलिस की संलिप्तता पाई गई। जैसे थाने का कोई अधिकारी मारा गया तो उसमें जो भ्रष्ट जो थाने जहाँ के जो लोग हैं वही लोग तो मिले रहते हैं। जी जी बिल्कुल, जैसे विकास दुबे ने तमाम पुलिस अधिकारियों को मार दिया तो उसमें थाने का ही तो आदमी मिला हुआ था जी।
तो ऐसे ही जितने भी लोग मारे जाते हैं उसमें पुलिस के लोग आप मानते हैं ना कानून व्यवस्था अच्छी नहीं ना? बिल्कुल बिल्कुल जी, बहुत धन्यवाद। तो आपसे बात करते हैं, कुछ आप जवाब दे रहे थे, बताइए क्या जवाब दे रहे थे? अभी आपने कहा था कि जैसे 25% एडजस्ट करेंगे अग्निवीर पे, जी तो 25% आर्मी में होगा जिसका जहाँ पे एडजस्टमेंट हो सकता है, जो क्वालिफाई करेगा सबको एडजस्टमेंट। दो साल हो गया है अग्निवीर निकाले, इस बार अभी तक निकला नहीं है, और जो प्रतापगढ़ में हुआ है शहीद को उसको दर्जा क्यों नहीं मिला बताइए? वो भी तो वहाँ पे शहीद हुआ है, ये आपकी नज़र से सही है कि गलत है ये? नहीं नहीं, इसके अगर शहीद हुआ है तो दर्जा उसको शहीद मिलना चाहिए, इस चीज़ की जानकारी मुझे नहीं है। और रही बात आप कह रहे 2 साल से वैकेंसी नहीं निकली है जी, नहीं 1 साल तो निकल गया, पूरा हो गया, अभी तक नहीं निकली है। अभी तो चुनाव चल रहा है, चुनाव के बाद वैकेंसी निकलेगी, चुनाव में सूचना जारी होती है जी, तो इस समय तो कोई वैकेंसी या कोई जनता जनार्दन के लुभावनी चीज पर रोक है, अब 4 जून के बाद ही इस पे चर्चा बढ़ती। अच्छा ये बताइए, जैसे अगर इस बार सरकार अगर बनती है तो क्या मॉडल होगा जिले में, बताइए क्या और विकास काम हो सकता है जिले में? तो विकास की देखिए तो एक जो मानक माता जी ने तय कर दिया है जी, चाहे आप धोपाप धाम देख लीजिए, रोड देख लीजिए, और भी सुल्तानपुर का कोढ़ कहा जाता था, शहर में कोई जाने से डरता था, जो डिवाइडर वाली रोड नहीं बनी थी जी, उसको माता जी ने जो सुल्तानपुर का एक कोड़ था, कोई आम जनता अगर उसको हॉस्पिटल इमरजेंसी में जाना है तो 1 घंटा लगे 2 घंटा लगे कुछ पता ही नहीं होता था, प्यागीपुर से हॉस्पिटल कितने टाइम पहुंचेंगे, आज स्मूथली आदमी 15 से 20-25 मिनट पहुंच जाता है जी जी। तो सरकार की अपनी योजना होती है, आने वाले समय में फिर से सरकार बन ही रही है जनता जनार्दन के आशीर्वाद से, और सुल्तानपुर माता जी के भरोसे के साथ कह रहे हैं बन रही है 100%। अखिलेश यादव कह रहे हैं इस बार जो है इनको हटाएंगे बीजेपी सरकार को, बड़े नेता हैं, मुख्यमंत्री रह चुके हैं, मुख्यमंत्री के पुत्र भी हैं, और हमेशा पीडीए पीडीए कहते हैं, पीडीए माने क्या है, आज तक उन्होंने अपना पीडीए में सवर्ण कहा है वो क्लियर करें ना, पी माने अब मानते हैं कि है तो कहते है, आज तक कभी सवर्ण का नाम ही नहीं लिया उन्होंने, कहते हैं ये मतलब अगड़ा, ये माने अगड़ा, अब कहने लगे, इससे पहले अभी 2022 चुनाव में पीडीए था तब नहीं कहे, उसका रिजल्ट उन्होंने देखा जी, उसका रिजल्ट उन्होंने देखा जी, अब कुछ बदलाव, ये माने वो अगड़ा कह रहे हैं, हम लोग अल्पसंख्यक कह रहे हैं। अच्छा वो उसको क्लियर करें, उनका अल्पसंख्यक है अगड़ा है, वो पीडीए वाले पीडीए क्रिटिसाइज करें, हमने क्या पीडीए रखा है, किस बेस पे, क्या उसका सही उसका संरचना है बताएं। आपके लम्हुआ विधानसभा में ब्राह्मण नाराज हैं, ऐसी आपको जानकारी मिली कि नहीं मिली? ऐसा कुछ नहीं, ब्राह्मण कभी नहीं नाराज है, और किस लिए नाराज होंगे ब्राह्मण? ब्राह्मण सदैव सत्य सनातन धर्म के संवाहक है, और ब्राह्मण हमेशा समाज के अगुआ है, और उन्होंने हम लोग को हमेशा मार्गदर्शन दिखाया है। अच्छा, और हमारे यहाँ एक इतिहास है ब्राह्मण का, हम लोग सदैव सम्मान किए, क्षत्रिय समाज सदैव ब्राह्मण को अपने मतलब एक ऊंचा सिंहासन देता है जी। तो उस हिसाब से ब्राह्मण हमारे साथ हैं, भाजपा के साथ हैं, हम सबके साथी हैं, हम सबके सीनियर, हम सबके गुरुजन हैं, ऐसा कुछ नहीं। लोग भ्रामक कुछ देखिए 2-4% होते हैं जो कुछ उलझुल जिनको कोई मतलब है, जो न यहाँ के न वहाँ के जी, और जो वाकई सामाजिक है, समाज के प्रति चिंतन करता है, तो कहीं कुछ नहीं है, सबकी सांसद मेनका गांधी जी, हम सबके प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी हैं। बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। धन्यवाद। तो हमने यहाँ की जनता से हमने बात किया जो है, तमाम मुद्दों पे हमने बात किया जो है कि यहाँ का माहौल क्या है, तो क्या है, लेकिन ये लोग तो पूरी तरह से बीजेपी का ही समर्थन दे रहे हैं, फिर से बीजेपी जो है लाएंगे इस बार यूपी में जो है सभी सीटें जीतने का दावा कर रहे हैं। हालांकि वो पता तब चलेगा कि कौन किस पे कितना भारी है, जब 4 जून को यहाँ से ईवीएम खुलेगा तब वो पता चलेगा कि जनता ने इस बार किसको अपना सांसद इस सुल्तानपुर से बनाया है, कौन जाता है दिल्ली की वो संसद भवन में इस सुल्तानपुर की बात आवाज को उठाने के लिए। फिलहाल आप देखते रहिए, इसी तरह का अगर अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। तो कैमरामैन अंकुश साहू के साथ मैं राज ठाकुर, अपना सुल्तानपुर।